बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट जो है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का वो पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में डिफरेंट फोर मैकेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जो सेल साइकिल के रेगुलेशन में डिफरेंट टाइप्स के साइक्लिन एंड सीडी के जो है इनके कॉम्बिनेशन जो है इनकी फास्फोरिलेशन, डीफास्फोरिलेशन, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो फोर मैकेनिज्म्स हैं ये इन्वॉल्व हैं, फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन ऑफ सीडी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली और जो है डिग्रेड होना डिफरेंट सीडी के आफ्टर पर्टिकुलर फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। देन पीरियोडिक सिंथेसिस ऑफ सीडी के जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। और देन जो है ना सीडी के इनहिबिटरी प्रोटीन्स की एग्जैक्ट मैकेनिज्म को समझना ये जरूरी है। तो हम ये थ्री जो है मैकेनिज्म के पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, और जो फोर्थ वन जो है हम अभी ये थोड़ा रहता था एक्सप्लेन करने वाला कि इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी जो है ना एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, सीडी के इनहिबिटरी प्रोटीन्स किस तरह से वर्कआउट करती हैं। तो यहाँ से हम लोग करते हैं कि इनहिबिशन ऑफ सीडी केस, सीडी केस आर इनहिबिट बाय, मैंने आपको पता इनहिबिटरी कुछ प्रोटीन्स हैं मैंने बताई थी, जैसे P16 है, 21, 27 है, P53 एंड 57। इनमें से 53 जो है ना, P53 काफी रिपोर्ट्स हैं, काम हो रहा है। ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स है, सीडी केज आर इनहिबिटेड बाय मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स, लाइक ये जो आपको बताई है डिफरेंट प्रोटीन्स P16, P21, P27, P53 एंड P57 एटसेट्रा। दीज प्रोटीन्स एंड अदर सीडी के इनहिबिटिंग प्रोटीन्स आर आल्सो, दे आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स। अब इन्हें ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स में बता चुके हैं क्यों कहते हैं भाई, कि ये सेल डिवीजन को स्टॉप कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, जहां पे भी ये बाइंड करेंगी ट्रांसक्रिप्शन जो है वहां पे जो है स्टॉप कर देंगी। तो इस इन प्रोटीन्स को ये क्या कर, ट्यूमर में क्या होता है कि अनवांटेड जो है हमारे पास जो है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है। तो अगर हम सेल डिवीजन को स्टॉप करते हैं तो हम ट्यूमर से बच सकते हैं। तो इन्हें इसलिए ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स भी कहा जाता है। दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डुप्लीकेटिंग इफ सम, हाँ, इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ होने लगे कि गलत हो गया है, बाय डूइंग दिस प्रिवेंट ट्यूमर्स फ्रॉम फॉर्मिंग, ट्यूमर की प्रोडक्शन को रोकती हैं। अब इनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, व्हाट डू सीडी केस फास्फोरिलेट, अब सीडी केस ये क्वेश्चन है, सीडी के फास्फोरिलेट क्या है, फास्फोरिलेट द प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर सेल डिवीजन। सीडी केस जो है वो क्या करती है, फास्फोरिलेट करती है प्रोटीन्स को जो जरूरी होती हैं सेल डिवीजन के लिए, बट विद प्रोटीन्स, हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बट व्हाट प्रोटीन इज स्पेसिफिकली आर इम्पोर्टेंट जो है इन फास्फोरिलेशन, या हम इस तरह से कहते हैं कि व्हाट प्रोटीन स्पेसिफिकली आर फॉस्फोरिलेटेड, कौन कौन सी प्रोटीन है कि सारी कौन सी सारी प्रोटीन्स हैं जो सेल साइकिल रेगुलेशन में, फास्फोरिलेशन में जिनका रोल है इनहिबिशन, इनहिबिटरी प्रोटीन्स की फास्फोरिलेशन में, ये सारे की सारी जो प्रोटीन्स जो है ये नाउन नहीं है, इनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म नाउन नहीं है। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो कुछ प्रोटीन्स के अवेलेबल हैं, अभी काफी काम हो रहा है इस पे, तो बाकी जैसे जैसे होती जाएंगी उनकी रिपोर्ट्स होती जाएंगी, उनकी फुली मैकेनिज्म डिटरमिन नहीं है, लेकिन मैनी मैनी प्रोटीन्स जो है उनकी मैकेनिज्म जो है उनकी जो है डिटरमिन हो चुकी है और रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, उसमें भी न्यूक्लियर एनवेलप का जो स्ट्रक्चर है ना उसके मेंटेनेंस में भी एक प्रोटीन का रोल है जिसको हम लैमिन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ना जो लैमिन की अगर फास्फोरिलेशन हो जाती है तो वो क्या करती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक कर देती है, बस ये बात है, यही चीज वो बता रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज मेंटेन पार्टली बाय अ प्रोटीन कॉल्ड लैमिन, लैमिन इज फास्फोरिलेटेड बाय सीडीके व्हिच कॉजेस इट्स
causes it to disintegrate, which causes the nuclear envelope to break. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिंग एंड मायोसिन है, इम्पोर्टेंट प्रोटीन है डिवाइडिंग एंड डुप्लीकेटिंग सेल्स में, ठीक है, और इसकी भी एक्टिवेशन जो है ये सीडीके से कंट्रोल होती है. और एक और प्रोटीन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर काफी काम हुआ है, जो है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, ये भी अनदर वेरी इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट ऑफ सीडीके इज रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं PRB से, या जीन अगर उन पर काफी बात हो तो RB जीन्स के नाम से काफी फैमिलियर है. व्हेन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इज नॉट फास्फोरिलेटेड, जब उसकी फास्फोरिलेशन नहीं होती, अब फिर क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F के साथ बाइंड कर देगी और इसको इनहिबिट कर देगी और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, स्टॉप कर देगी. अच्छा, तो अब जब इस ट्रांसक्रिप्शन, अब जो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना वो अब वही बता रहा है कि अनएबल टू प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर DNA रेप्लिकेशन व्हिच मेक्स द सेल अनएबल टू पास. अब फिर क्या होगा कि वहीं पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी और जो सेल है वो नेक्स्ट अपनी फेज में नहीं जाएगा, ठीक है, G1 से S फेज में नहीं जाएगा, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे. ये इसका मैकेनिज्म. अब इसकी मैकेनिज्म हम उसको थोड़ी डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ आएगी. द साइक्लिन, अब जो है अब कहते हैं कि साइक्लिन ही इन कॉम्बिनेशन विद CDK2 हेटरोडाइमर कैन फास्फोरिलेट. अब वो फास्फोरिलेट अगर कर दे रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के, फिर क्या होगा कि फिर वो सिग्नल देगी कि सेल ने नेक्स्ट प्रोसीड करना है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है. अच्छा, व्हेन देयर हैज बीन, अगर कोई फॉर एग्जांपल DNA का डबल स्ट्रैंड में कोई डैमेज हो जाता है कोई म्यूटेशन से या कोई सी भी रीजन से, तो क्या होगा कि वहां पे भी कुछ प्रोटीन्स हैं बाइंड कर जाएंगी जो नेक्स्ट प्रोटीन को, जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगी, ठीक है, और फिर वो जो फास्फोरिलेट करेंगी डिफरेंट इनहिबिटरी प्रोटीन्स को फास्फोरिलेट करेंगी. जहां पे इनहिबिटर, आपने ये याद रखना है, जहां पे इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, ये जो है ना मोस्टली इनको कहा जाता है, ये जब ट्रांसक्रिप्शन, एक्चुअली इसमें सारी की सारी जो बात है ना कहानी यही है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो रेगुलेटर है ना जो है वो इम्पोर्टेंट है, E2F जो है. अब उसमें क्या है कि उसकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का ही सारा रोल है कि अगर वो ट्रांसक्रिप्शन उसमें रेगुलेट है कि वो डिटरमिन करेगा कि सेल ने नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी. तो जब इनहिबिटरी प्रोटीन उसके साथ बाइंड कर जाएंगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. तो यही सारी एक्चुअली मैकेनिज्म है. और ये मैं यहाँ से ना थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं. ये देखें, ये टू प्रोसेसेस हैं इस डायग्राम में शो हो रहे हैं, ठीक है. जो है वन जो है वो नॉर्मल ग्रोथ और जो है ना रेगुलेशन को शो कर रहा है, जो प्रोसेस है पाथवे है, और जो दूसरा है वो है एबनॉर्मल या जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है. अच्छा, अब जो नॉर्मल जो है ये देखें, जो है ना एक सेल में प्रोसेस जो हो रहा है वो इंटैक्ट DNA डबल स्ट्रैंडेड है. अब उसमें नॉर्मल जो है CDK जो है साइक्लिन ई के साथ बाइंड करके, ठीक है, अगर एक्टिव फॉर्म में है तो वो फास्फोरिलेशन कर रही है सप्रेसर प्रोटीन की. जब सप्रेसर प्रोटीन की फास्फोरिलेशन हो रही है तो वो अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ नहीं बाइंड कर रही है. देखें, अब इसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड नहीं करना. जब बाइंड नहीं करेगी तो जो एंजाइम है नेसेसरी जो है ना इसके लिए DNA सिंथेसिस के लिए, वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी. जो एंजाइम है फॉर DNA सिंथेसिस वो जो है नॉर्मल उनकी फंक्शनिंग होगी, और जो सेल है ये एंश्योर करेगा कि सेल ने G1 फेज से S2 फेज में जाना है और ये नॉर्मल जो है सेल डिवीजन होगी. ये देखिए एक नॉर्मल प्रोसेस को ये वाला जो है ब्लू एरिया है इस फिगर का ये शो कर रहा है कि नॉर्मल जो है नॉर्मली सेल में अगर ये डिफरेंट साइक्लिन विद कंबिनेशन CDK जो है ये एक्टिव फॉर्म में है, ये जो है एक जो है ट्यूमर सप्रेसर या इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ अगर बाइंड कर जाए तो उसकी फास्फोरिलेशन कर देगा. तो वो इम्पोर्टेंट थिंग है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इम्पोर्टेंट है,
यही रेगुलेट करता है जो है ना ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी। तो अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन इसके साथ सप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब होगा कि ये नॉर्मल फंक्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है डिफरेंट जो टाइप्स के एंजाइम्स हैं डीएनए सिंथेसिस होगी और सेल जो है नेक्स्ट फेज में चला जाएगा G1 से S फेज में चला जाएगा और नॉर्मल सेल डिवीजन जो है प्रोसीड होगी। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ना एबनॉर्मेलिटी होगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो जो है ना वो ब्रेक हो गया, कुछ डीएनए डैमेज हो गया, फिर वहां पे क्या होगा कि वो टू टाइप्स के प्रोटीन जो है काइनेज प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन जो है एक्टिवेट होके काइनेसिस एक्टिवेट होके ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ, अब यहाँ पे ये इनहिबिटरी प्रोटीन P53 के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और ये फिर एक और इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा एक्टिव होके, तो अब ये P21 के साथ, अब ये जो है ना P21 जो है ये जो है CDK और साइक्लिन ई के कॉम्बिनेशन जो एक्टिव था इसके साथ जब ये बाइंड करेगी जो इनहिबिटरी प्रोटीन है तो इसको इनएक्टिव कर देगी। अब जब इसको इनएक्टिवेट कर देगी तो यहाँ पे ये जो है ना सप्रेसर प्रोटीन जो है इसकी जो है ना जो है फास्फोरिलेशन नहीं होगी। अब जो सप्रेसर प्रोटीन है ना रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करेगी तो यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगी, ये इनएक्टिव हो जाएगा और सेल डिवीजन नहीं होगी और सेल जो है ये G1 फेज से S फेज में नहीं जाएगा, सेल डिवीजन ब्लॉक हो जाएगी। ये P53 की यहाँ पे ना ये मैकेनिज्म बताई जा रही है। अब ये दोनों प्रोसेसेस पैरेलल दिखाए जा रहे हैं किस तरह से होते हैं नॉर्मली इसकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन जो है वो किस तरह से होती है और ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स हैं ये किस तरह से वर्कआउट करती हैं। अच्छा, ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन देयर हैज बीन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज द सेल शुड नॉट डिवाइड। ठीक है, वो डिवाइड नहीं करेगा, द प्रोटीन कॉल्ड एमआरएन will bind to double stranded DNA damage and activate two kinases। देखें ये देखें जहाँ पे DNA damage हुआ वहाँ पे mRNA protein जो है bind कर गई और इसने activate किया two types के protein kinases ATM and ATR को, और ये जो kinases हैं ये जो है inhibitory protein जो है P53 के साथ bind करेंगे, इसको activate करेंगे और जो P53 protein है ये another inhibitory protein से bind करेंगे और वो जो है जो साइक्लिन ई और CDK2 जो है जो एक्टिव फॉर्म में थे जो उसके साथ बाइंड करेगी तो उसको इनएक्टिव कर देगी। अब जो इनएक्टिव होगी तो अब ये जो है ना इनएक्टिव एट फॉर्म में होगी, आपको पता है ये CDK और जो साइक्लिन ई है ये जब खुद ही इनएक्टिवेट होगी तो ये फास्फोरिलेट नहीं करेगी, जो प्रोटीन है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फास्फोरिलेशन नहीं करेगी और जब इसकी फास्फोरिलेशन नहीं होगी तो ये बाइंड कर जाएगी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के साथ और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर ये बाइंड करेगी तो इनहिबिट कर देगी उसकी ग्रोथ को और इनएक्टिव हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल जो है नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा, यही बात लिखी हुई है। देखिए, व्हेन देयर हैज बीन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज द सेल शुडंट डिवाइड एंड अ प्रोटीन कॉल्ड एमआरएन विल बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज एंड एक्टिवेट टू काइनेसेस कॉल्ड एटीएम एंड एटीआर, दे विल फॉस्फोरिलेट एंड एक्टिवेट अ प्रोटीन कॉल्ड P53 एंड P53 इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन अदर प्रोटीन P21, this protein binds to the cyclin E with CDK2 heterodimer and inhibits it. Now that CDK2 is inhibited and retinoblastoma protein is not phosphorylated and will therefore bind and inactivate transcription factor. Now that transcription factor inactivates and DNA synthesis enzyme will not be transcribed and the cell is locked and in G1 phase पे lock हो जाएगा, next नहीं जाएगा until the double stranded DNA damage is fixed. ठीक है, तो ये इस तरह से inhibition of CDK जो है ये किस तरह से काम करती है और ये बहुत जरूरी है सेल साइकिल की रेगुलेशन में।
यहाँ पे आपका जो है सेल साइकिल रेगुलेशन यहाँ पे स्टॉप हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।